नमस्कार दोस्तों, एडियो टेक चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद ये वीडियो मैं आज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये वीडियो जो है मेरे ही एक पहले पुरानी पोस्ट, एक वीडियो थी CRO पे बेस्ड। वो वीडियो था कि हाउ टू अलाइन CRO और CRO बेसिक्स, मीन CRO को आप कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे आपको उसको यूज़ करना है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और सिग्नल का एम्पलीट्यूड आप कैसे देख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले अपने चैनल पे शेयर किया था। और उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी सज्जन ने मुझे कमेंट किया था। एक्चुअली उसमें मैंने बताया था कि ये जो CRO होता है उसमें ये दो चैनल हैं, ड्वेल ट्रे CRO, चैनल 1, चैनल 2, जिसको मैंने एक्स और वाई एक्सिस भी कहा था। उसमें मतलब मैंने ये बताया था कि दो चैनल हैं, आप साइमल्टेनियसली दो सिग्नल को आप ट्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें सिग्नल को दो अलग अलग चैनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स कि ये जो डिफ्लेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डिफ्लेक्शन अभी देखिए, आपका ये डिफ्लेक्शन जो है, ये आपका डिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे अभी ये फंक्शन जनरेटर से कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है। तो ये जो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपका CRO अपने इंटरनल ऑसिलेटर, मतलब इंटरनली जो इसमें ऑसिलेटर होता है जिसके थ्रू ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, वो इलेक्ट्रॉन बीम से एक्स एक्सिस में ये आपका ये डिफ्लेक्शन होता है, जिसके थ्रू अगर आप इसको चाहें तो आप बिना डिफ्लेक्शन के भी देख सकते हैं। डेट मीन्स कि ये जो डिफ्लेक्शन आपको इंटरनल ऑसिलेटर कर रहा है, इसको अगर आप ना देखना चाहें, आप चाहें कि सिर्फ एक इसमें इलेक्ट्रॉन बीम मिले, स्पॉट मिले, तो देखिए आप यहाँ पे एक बटन है XY, इसको मैं अगर प्रेस करूँ तो देखिए आपको एक स्पॉट आया है स्क्रीन पे। ये देखिए ये आपके एक स्पॉट है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, ये स्पॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये स्पॉट, ये देखिए ये स्पॉट है। देखिए ये अभी स्पॉट को मैं वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये मैं इसको एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो सिग्नल, दोनों अलग अलग सेपरेट चैनल पे अगर आप दो सिग्नल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि सर आप यहाँ गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे दो चैनल का मतलब सिर्फ दो चैनल से है, ना कि एक्सिस से। तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ उनकी डाउट को दूर करने के लिए, कि दो चैनल है ही, कि आप अगर दो अलग अलग सिग्नल को एक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, एक स्क्रीन पे दो सिग्नल को अगर देखना चाहते हैं, तो आप ड्वेल ट्रे CRO का यूज़ कर सकते हैं, चैनल 1 और चैनल 2। लेकिन अगर आप दो चैनल पे चैनल वाई और एक्स के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एक ही इस स्पॉट को अगर आप एक्स एक्स पे एक फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एक फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा और अभी क्लियर करना चाहूँगा आपको। ये देखिए मैंने इसके, ये जो आपका CRO है, इस ड्वेल ट्रे CRO के चैनल 1 के साथ में ये केबल के थ्रू ये फर्स्ट वाला फंक्शन जनरेटर जो है मैंने इसमें कनेक्ट किया है। अभी मैं इसको सेट करता हूँ साइन वेव पे, ये देखिए अभी ट्रायंगुलर वेव सिलेक्टेड है, मैं इसको साइन वेव पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक वर्टिकल लाइन आ रही है, क्योंकि मैंने इसको एक्स वाई पे करके रखा था। अब देखिए मैं एक्स वाई हटाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये वेव का जो वेव फॉर्म है वो, ये देखिए ये आपका साइन वेव आ रहा है। साइन वेव आ रहा है मतलब ये एम्पलीट्यूड जो है, वाई एक्सिस का जो डिफ्लेक्शन है वो इस फंक्शन जनरेटर से मिल रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस पे जो डिफ्लेक्शन, जो कंटिन्यूस जो वेव फॉर्म बन रही है, ये पूरी की पूरी एक्सिस पे जो वेव फॉर्म को ड्रॉ कर रहा है वो इसके इंटरनल ऑसिलेटर के थ्रू हो पा रहा है। अब देखिए मैं इस पे इंटरनल ऑसिलेटर को बंद कर रहा हूँ तो सिर्फ वाई एक्सिस का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि ये चैनल कौन सा है, वाई, मतलब इस वाले फंक्शन जनरेटर से जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो वाई एक्सिस का एम्पलीट्यूड मिलेगा। वाई एक्सिस पे जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट से नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक पॉइंट के जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा।
अब देखिए, मैं इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फंक्शन जनरेटर अटैच किया हूँ चैनल टू पे, जो कि एक्स एक्सिस के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इंटरनल एक्स एक्सिस का जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको तो मैंने बंद कर दिया, ये थ्रू दिस, ये जो आपका स्विच है एक्स वाई स्विच, इसके थ्रू मैंने इसको बंद कर दिया। लेकिन अब एक्सटर्नल जो ये वायर है, एक्सटर्नल ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे चैनल टू दिख रहा है आपको, चैनल टू, ये चैनल टू पे एक्स एक्सिस का डिफ्लेक्शन है, जिसको मैं दूसरे फंक्शन जनरेटर के साथ, देखिए यहाँ पे मैं अटैच किया हूँ। अब इस फंक्शन जनरेटर को भी मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए मैं फंक्शन जनरेटर ऑन किया, और ऑन करते साथ अभी देखिए ट्रायंगुलर वेव पे है, मैं इसको भी साइन वेव पे कर लेता हूँ। देखिए तो साइन वेव पे करने के बाद जब मैं एक्स एक्सिस पे एक सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे एक सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों दोनों ही आपका साइन वेव है। देखिए ये भी साइन वेव है और ये दूसरा भी यहाँ पे साइन वेव है, और दोनों की कुछ फ्रिक्वेंसी, जैसे ये 1254 मतलब 1254 हर्ट्स इसकी फ्रिक्वेंसी है, और इसकी है 1582 हर्ट्स। तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल अप्लाई हो रहे हैं और उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसलिए देखिए यहाँ पे जो वेव फॉर्म जो ड्रॉ हो रहा है कुछ आपका ये कुछ मैश जैसा दिख रहा है, मतलब जाली जैसी, जाली नुमा कुछ आकृति बन रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम दो अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे एक फिगर बन रहा है, और दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में लिसाजू फिगर्स, लिसाजू फिगर्स देखिए यहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी को देखिए, अगर आप चेंज करते हैं, ये देखिए मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को लगभग 250 हर्ट्स के आसपास रख रहा हूँ, एक्स एक्सिस की फ्रिक्वेंसी मैंने रखा 254 हर्ट्स के अराउंड, और वाई एक्सिस की फ्रिक्वेंसी को मैंने रखा 250 के अराउंड। तो देखिए आपका इसका शेप देखिए चेंज हो गया। अब मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ, किसकी, वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस को मैंने कांस्टेंट रख दिया और वाई एक्सिस की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। देखिए इसकी शेप जो है, देखिएगा उस पर ध्यान दीजिए, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो आकृति जो बन रही है, जो शेप आपका यहाँ पे जो आ रहा है, ये शेप को ही हम लिसाजू फिगर बोलते हैं, और लिसाजू फिगर आपके ड्वेल ट्रेस सीआरओ में भी बनाया जा सकता है। बहुत लोग इसको सिंगल ट्रेस सीआरओ में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक को नॉन फ्रिक्वेंसी मानते हैं और एक एक्सिस पे अननोन। तो नॉन फ्रिक्वेंसी वो जो हम वाई एक्सिस पे अप्लाई करते हैं, और अननोन फ्रिक्वेंसी वो जो इसके इंटरनल ऑसिलेटर के थ्रू, अननोन फ्रिक्वेंसी जो जिसके थ्रू एक्स एक्सिस में डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको हम अननोन मान करके ऐसे अलग अलग शेप के लिसाजू फिगर्स जो हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हमको दोनों फ्रिक्वेंसी अगर जानना हो कि एक्स एक्सिस पे क्या फ्रिक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे क्या फ्रिक्वेंसी है, तो आप ड्वेल ट्रेस सीआरओ का यूज़ कर सकते हैं, और ड्वेल ट्रेस का सीआरओ का यूज़ करके वाई एक्सिस पे एक सिग्नल और एक्स एक्सिस पे दूसरा सिग्नल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसमें और चेंज कर रहा हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी पे, देखिए ये देखिए, ये 250 हर्ट्स मिनिमम है, मैं इसको और कम करता हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी, देखिए 25 हर्ट्स किया मैंने मिनिमम, देखिए 25 हर्ट्स इसकी फ्रिक्वेंसी, और इसकी फ्रिक्वेंसी को देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ इसका शेप जो है वो अलग अलग आपको दिख रहा है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी शेप जो है वो यहाँ पे आपके पैटर्न जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, लिसाजू फिगर्स। देखिए देखिए मैं दोनों की फ्रिक्वेंसी चेंज कर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो एक्स एक्सिस है उसमें मैं फ्रिक्वेंसी मैंने 250 हर्ट्स के अराउंड कॉन्स्टेंट कर दिया, और वाई एक्सिस की फ्रिक्वेंसी जो है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, जिससे कि ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो है यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो आप लोगों के डाउट हैं सीआरओ से रिलेटेड, वो मैं थोड़ा दूर कर सकूं। और मैंने ज़्यादातर जो वीडियो बनाए हैं वो सीआरओ पे बेस्ड बनाए हैं, क्योंकि सीआरओ
जो आपका इक्विपमेंट है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने वीडियो के थ्रू आपके ऐसे डाउट को क्लियर कर सकूँ, और सीआरओ के थ्रू आप कितने सारे प्रैक्टिकल हैं या कितने सारे कंपोनेंट टेस्टिंग है या इक्विपमेंट को अगर आप सुधारने का भी काम करते हैं तो आप सीआरओ के थ्रू कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो था मेरा, ये इस पे बेस्ड था कि ड्यूल ट्रेस सीआरओ में जो चैनल लिखा रहता है, चैनल का मतलब भी वही है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये फर्स्ट चैनल इससे कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले फंक्शन जनरेटर से, तो इससे डिफ्लेक्शन जो है वो देखिए एम्पलीट्यूड में आप चेंज करता देखिएगा। ये देखिए ये एम्पलीट्यूड है, ये कौन से कनेक्टेड है आपका वाई एक्सिस वाले उससे चैनल से कनेक्टेड है। देखिए ये देखिए मैं इसका एम्पलीट्यूड कम किया, ये एम्पलीट्यूड बढ़ाया, तो ये वाई एक्सिस का चेंज हो रहा है। देखिए वाई एक्सिस पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ये वाला चैनल, चैनल टू, ये इससे कनेक्टेड है। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। तो हम ड्यूल ट्रेस सीआरओ में एक्स और वाई का मतलब सिर्फ चैनल से नहीं, एक्स और वाई एक्सिस से भी होता है। तो मैं यही बताना की कोशिश किया हूँ आपको इस वीडियो में, और आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं और आप लोगों की बहुत सारी डिमांड भी होती है, हर किसी की डिमांड मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय का अभाव होता है मेरे पास, लेकिन मैं समय मिलने पे मैं समय समय पे आपके ये डाउट जो हैं वो क्लियर करता रहूँगा और वीडियो डालता भी रहूँगा। और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।